विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि आयोजकों को गरबा उत्सव में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए और इसके लिए गरबा में आने वाले लोगों के आधार कार्ड की जांच करनी चाहिए। इस बात की जानकारी विश्व हिंदू परिषद के गोवा एवं महाराष्ट्र प्रभाग के क्षेत्रीय मंत्री गोविंद शेंडे इन्होंने दी है। आने वाले कुछ दिनों में गरबा के बड़े आयोजन होंगे। माँ भगवती के आराधना शक्ति की उपासना प्रारंभ होने वाली है और ये जो हमारे गरबे के आयोजन है इसके माध्यम से हम भगवती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, माँ भगवती को प्रसन्न करके अपने सुखी जीवन की कामना करते हैं। यह कोई नृत्य नहीं है, ये कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग जिनकी मान न भगवती के ऊपर श्रद्धा है, न भक्ति है, न आराधना करते हैं, न पूजा करते हैं, न प्रसाद लेते हैं, न आरती करते हैं, लेकिन गरबा के अंदर आते हैं और उसका जो परिणाम हमारे यहाँ पर होता है, हमारी बहनों की, बेटियों की, बहुओं की छेड़छाड़ होती है, वहां पर लव जिहाद के प्रकरण होते हैं और जिसके कारण माँ भगवती के उस श्रद्धा भक्ति पूर्ण वातावरण के अंदर एक दूषित वातावरण होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए मैं सभी गरबा आयोजकों से और प्रशासन से यह मांग करता हूं कि इन गर्भों के अंदर ऐसे लोग जो न भगवती को मानते हैं, न भगवती पर श्रद्धा है, न हिंदू धर्म के ऊपर उनका कोई विश्वास है, ऐसे लोगों को इस गर्भा के अंदर प्रवेश न दिया जाए। और ऐसे गर्भा आयोजकों से मेरा निवेदन है कि वे आधार कार्ड देख करके उनको प्रवेश दें। जो मुख्य द्वार है जहां से प्रवेश होगा वहां लोगों के तिलक लगाए, हाथ में कलेवा बांधे, गौवर को उनको पीने के लिए दे, जो ये सब करेगा उसको गर्भे के अंदर प्रवेश दें, अन्यथा उसको प्रवेश वर्जित करें। इन सब कामों के लिए करते समय यदि गर्भा आयोजकों को ऐसा लगता है इसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना चाहिए तो वे हमारे स्थानिक कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, उनसे बातचीत करें और उनका सहयोग इसके अंदर लें। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को इस विषय के लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं।